सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ये है मार्वल मैराथन का 16 एपिसोड। आज हम बात करने वाले स्पाइडरमैन होमकमिंग के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पूछेंगे सबसे पहले सितिजा से कि सितिजा को स्पाइडरमैन होमकमिंग कैसे लगे। होमकमिंग एक्चुअली बहुत ही अच्छी मूवी है, मतलब कॉमेडी भी है और जो हमारे जो चिल्ड्रन रहते वो लोग भी इंटरेस्टिंग के साथ देखते हैं स्पाइडरमैन मूवी, उनको भी बहुत ही अच्छी मूवी लगती है। और बेसिकली कहना चाहूँगी टोनी स्टार्क एंड पीटर पार्कर जो 15 ईयर्स ओल्ड वहाँ पे दिखाई दिया है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट रहता है वहाँ पे और उसके बाद वहाँ पर जो उसका क्रश रहता है लीज नाम का, और वहाँ पे एक हमारे जो सिंगर है जेडा वहाँ पर भी स्क्रीन पे दिखाई दिए है, और उन दोनों तीनों का जो स्टूडेंट भी है फ्रेंड्स भी है वो सारी अबाउट एजुकेशन के बारे में भी बता दिया है और टॉम होमकमिंग में, इसलिए बहुत ही अच्छी मूवी है। और स्पाइडरमैन रहता है विद टोनी स्टार्क, बहुत ही अच्छी दोनों की केमिस्ट्री है, लाइक टोनी स्टार्क उसको लाइक एज अ फादर ट्रीट करते हैं वो, और वहाँ पे बहुत सारी कॉमेडी सीन्स भी है जो सारे लोग एंजॉय कर रहे थे मूवी देखते टाइम। और बताना चाहूँगी वहाँ पर एक कॉन्सर्ट रहता है मतलब जो स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे सारे लोग जाते हैं। तो अब मैं पूछूंगा क्षितिजा से कि क्षितिजा आप रेटिंग कितने दोगे इस फिल्म को? रेटिंग मैं देना चाहूंगी 8 पॉइंट्स, एक्चुअली कॉमेडी है बट ठीक है स्पाइडरमैन के लिए 8 रेटिंग। 8 रेटिंग दी है क्षितिजा ने। ओके, तो हम अभी संकेत से पूछेंगे उनको स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 की मूवी कैसी लगी। स्पाइडरमैन होमकमिंग बेसिकली इंडियंस के लिए बहुत सेफ फिल्म है, इंडिया के लिए बनाते हैं स्पाइडरमैन ऐसा बोल सकता हूँ मैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है, सबसे पहले लोगों को स्पाइडरमैन ही पता था जब ये बाकी एवेंजर्स नहीं आए थे तब, तो बहुत अच्छी ये फिल्म है। इस फिल्म का स्टार्ट ऐसे होता है कि जहाँ पे पीटर पार्कर रहता है, लीज है और हमारी जो जेंडाया है वो भी दिखाई दिए इस फिल्म में, और ये तीनों ये स्टूडेंट रहता है 15 ईयर्स का बच्चा रहता है एक तरह से, और स्टोरी स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क बैटल के बाद की, जहाँ पे न्यूयॉर्क बैटल में जो हमारे जो शिप्स थे जो बाकी चीज़ें थी उनकी चित्तौरी सेना की वो वहाँ पे पड़ी हुई है, उनको हटाने का काम चल रहा है। ये काम हमारे टूम्स को दिया जाता है जो कि इस फिल्म के विलन है, वल्चर है एक तरह से, उनको दिया जाता है और उनको देने के बाद वो काम उनसे छीन लिया जाता है बिकॉज ऑफ टोनी स्टार्क और गवर्नमेंट के बीच में कुछ समझौता हुआ है, उन दोनों ने वो डैमेज का काम हाथ में लिया रहता है, तो उस वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो निकालते समय वो लोग वहाँ से जो चीज़ें चुरा सके वो चुरा लेते हैं और वही टेक्नोलॉजी के जरिए वो लोग नए इन्वेंशन नए हथियार बनाते हैं, जहाँ पे वो लोग वल्चर का सूट भी बनाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक एक्सप्लोजन वाली गन भी बनाते हैं जहाँ से एक आदमी को उनके क्रू मेंबर को डिस्ट्रॉय कर देता है, वैसे भी एक सीन है। और एक दूसरे तरफ स्पाइडरमैन इन चोरों को पकड़ने के पीछे लगा है जो कि वल्चर्स के लिए डील कर रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी जो चित्तौरी सेना की टेक्नोलॉजी है वो बेचने के लिए डील कर रहे हैं गार्क्स के साथ, जो कि इस फिल्म में लास्ट में हमें दिखाई भी देता है, तो उसके साथ डील चलती है। तो वहाँ पे बीच में स्पाइडरमैन इंटरफेयर करता है और इंटरफेयर करने के बाद वल्चर आता है और उसको फेंक देता है पानी में, तो बिकॉज ऑफ वो पैराशूट सूट से वो लिपट जाता है, तो टोनी स्टार्क का ऑटोमेटेड आर्मर आता है उसको बचाने के लिए वहाँ पे, और बचा के उसको समझाता है कि बच्चे ये तेरा काम नहीं है, ये दूसरों का काम है तू मत कर, और ऐसे बोल के उसको छोड़ देते हैं। बट फिर भी स्पाइडरमैन हमारा सुनता नहीं है, वल्चर के पीछे भागते रहता है भागते रहता है। तो उसको थोड़े दिन बाद उसकी जो लीज गर्लफ्रेंड है उसके बारे में पता चलता है कि उसके फादर ही है हमारे टूम जो वल्चर है, तो वो उसको धमकाते हैं कि बेटा देख तेरे बस की बात नहीं है, मेरे पीछे मत लग, क्योंकि मेरे पीछे लगेगा तो तू तेरे सारे चाहने वालों को मैं मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो ऐसे ही एक उसका जिसने जिसको पकड़ा रहता है स्पाइडरमैन ने छोड़ा रहता है वो गैंग के बीच में, उस वो बताता है कि ये सारी चीज़ें अभी शिप पे डीलिंग चल रही है, तो वो शिप का सीन है, जो शिप का सीन सभी को याद आता होगा, मैंने जैसे बोला अभी शिप का सीन
तो ऐसे पकड़े हुए है स्पाइडरमैन, दोनों साइड से शिप टूट रही है, वो सीन इस शिप पे ही होता है। तो तब स्पाइडरमैन जाता है वहाँ पे उसको ढूंढने के लिए कि वहाँ पे टूम्स आया है या उनकी कुछ डीलिंग चल रही है वेपन्स को लेके। तो वहाँ पे आता है तो कुछ अनबन चीजें हो जाती है और उसके वजह से शिप टूटने लगती टूटने है, लगती है और और शिप बहुत सारे टूटने, लोग हाँ रहते हैं बहुत सारे वहां लोग रहते हैं, तो टूटने लगती है। स्पाइडरमैन बहुत कोशिश करता है उसी चीज को नहीं हो कि पाता है। जुड़ जुड़ जाए, वो सारी चीजें हो जाए, बट नहीं होता है। तो टोनी स्टार्क आता है हेल्प के लिए और टोनी स्टार्क पूरी शिप को जोड़ देता है 2 ही मिनट में। काफी अच्छी सीन है वो। और और इसके बाद मतलब टोनी स्टार्क का जो सूट दिया होता है वो भी रिटर्न ले लेता है। हाँ, इसके बाद वो सूट भी रिटर्न लेता है और वो समझाता है कि इस बार मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं खुद हूँ इसके अंदर, और तुरंत ही बाहर आता है। तो वो काफी शॉकिंग सा सीन है और बहुत अच्छी इस फिल्म में स्टोरी है और आगे बढ़ते जाती है। वल्चर को बचा लेता है स्पाइडरमैन लास्ट के जो एंडिंग सीक्वेंस है, एंडिंग फाइट सीन है, उसमें वल्चर को बचा के पुलिस के हवाले करता है। ऐसी इस मूवी की स्टोरी है और वल्चर को विदाउट स्पाइडरमैन सूट बचाता है, इसलिए टोनी स्टार्क उसको एवेंजर में भर्ती करने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसी इस फिल्म की स्टोरी है। कि आप पोस्ट क्रेडिट के सीन के बारे में बताइए। पोस्ट क्रेडिट सीन, पहले तो मिड क्रेडिट सीन में हमें गार्ग और टूम्स देखते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि टूम्स को पता है स्पाइडरमैन कौन है, गार्ग को पता नहीं है, तो वो दोनों अभी निकलेंगे, बदला लेंगे इस टाइप से। और नेक्स्ट सीन है जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, उसमें टोनी स्टार्क, हैप्पी होगन जो जॉन फेवरो है, हैप्पी होगन, टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन, ये तीनों वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है अंदर, जहाँ पे पेपर पॉट्स है अंदर, और वहाँ पे उसको आयरन स्पाइडी सूट मिलता है जो स्पाइडरमैन के लिए बनाया जाता है, टोनी स्टार्क खुद बनाते हैं। वो उसको सूट दिखाया जाता है और बोलते हैं बच्चे तू आज से एवेंजर बन रहा है और चल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट वो नकार देता है कि मैं फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ही ठीक हूँ और मुझे नहीं बनना है एवेंजर, ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। ये पोस्ट क्रेडिट सीन है। थैंक यू। और आप रेटिंग कितना देना चाहोगे? इस फिल्म को मैं रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10 8.5। 8.5 इसलिए काफ़ी कॉमेडी सीन्स है और जॉन वेट्स इसके डायरेक्टर है जो कि ठीक ठाक फिल्में बनाते हैं, उनके झोले में ये सबसे बड़ी फिल्म थी अब तक की, और 8.5 रेटिंग है मेरी आउट ऑफ 10। काफ़ी अच्छी फिल्म है। और अब हम मिलेंगे मार्वल के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।